हेलो दोस्तों, आपने देखा होगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच हमेशा तनाव रहता है। वहीं लोग ये भी जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की आर्मी कितनी पावरफुल है। वहीं अगर किसी भी देश की ताकत को जानना हो तो उस देश की एयरफोर्स बयां कर देती है कि वह देश कितना पावरफुल है। तो आइए आज इस वीडियो में जानते हैं इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तान की एयरफोर्स कितनी पावरफुल है और ये देश कौन कौन से ताकतवर विमान इस्तेमाल करते हैं। आइए जानते हैं आज इस वीडियो में। पाकिस्तानी एयरफोर्स दुनिया की सातवीं सबसे बड़ी एयरफोर्स है। वही इंडियन एयरफोर्स दुनिया की चौथी सबसे बड़ी एयरफोर्स है। अगर बात करें पाकिस्तान की एयरफोर्स की कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की, तो पाकिस्तान की एयरफोर्स के पास वर्तमान में 447 फाइटर जेट्स मौजूद हैं। पाकिस्तान के पास जनरल डायनेमिक्स F-60 फाइटिंग फैलकॉन जेट, F-60 मल्टीरोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है और इसकी टोटल संख्या पाकिस्तान की एयरफोर्स में 45 है। वहीं पाकिस्तान पे चेंगदू J-7 है। ये विमान MiG-21 का ही वेरिएंट है और इसे फिशकैन भी कहते हैं। और इस फाइटर जेट की पाकिस्तान के एयरफोर्स में टोटल संख्या 136 है। वहीं JF-70 थंडर, ये पाकिस्तान का काफी पॉपुलर फाइटर जेट है और इस फाइटर जेट की पाकिस्तान के एयरफोर्स में टोटल संख्या 107 है। वहीं डसॉल्ट मिराज 5, यह जेट स्ट्राइक के लिए ज्यादा अच्छा माना जाता है और इस फाइटर जेट की पाकिस्तान की एयरफोर्स में टोटल संख्या 90 है। वहीं पाकिस्तान के पास 69 की संख्या में डसॉल्ट मिराज 3 मौजूद है। वहीं अगर इंडियन एयरफोर्स के कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स में टोटल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट 642 है, जिसमें राफेल मल्टीरोल फाइटर जेट शामिल है और इस फाइटर जेट की इंडियन एयरफोर्स में टोटल संख्या 6 है, बाकी ऑन ऑर्डर में है। और वहीं इंडिया के पास सुखोई SU-30 MKI 242 की संख्या में मौजूद है और जैगवार फाइटर जेट इंडिया के पास 130 की संख्या में मौजूद है और MiG-21 132 की संख्या में भारतीय एयरफोर्स में मौजूद है। इंडिया के पास 66 मिकोयान MiG-29 जेट भी मौजूद है। वहीं स्ट्राइक के लिए जाना जाने वाला डसॉल्ट मिराज 2000 इंडिया के पास 45 की संख्या में मौजूद है। वहीं HAL तेजस फाइटर जेट भारतीय सेना में 16 की संख्या में मौजूद है। अगर वर्तमान में देखा जाए तो भारत के पास पाकिस्तान से ज्यादा फाइटर जेट मौजूद हैं। वहीं राफेल के आने से इंडिया की पावर काफी बूस्ट हुई है। वहीं किसी भी एयरफोर्स को ताकतवर बनाने के लिए उसके पायलट की स्किल भी अच्छी होनी चाहिए और उसके लिए एयरफोर्स के पास अच्छे ट्रेनर एयरक्राफ्ट होना जरूरी है। वहीं अगर हम बात करें ट्रेनर्स की, तो पाकिस्तान के पास इस समय 263 ट्रेनर्स मौजूद हैं और इंडिया के पास 304 ट्रेनर्स मौजूद हैं। वहीं इंडियन एयरफोर्स का रेटियो 1.5 पायलट्स पर एयरक्राफ्ट है और पाकिस्तान का 2.5 है। वहीं इंडिया की सिर्फ 28 स्क्वाडन एक्टिव है, जो इंडिया के लिए एक माइनस पॉइंट है और शायद यह भविष्य में और भी कम हो। वहीं पाकिस्तान की 22 स्क्वाडन मौजूद है। वहीं जंग के मैदान में हेलीकॉप्टर भी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, चाहे वह हेलीकॉप्टर ट्रांसपोर्टर हो या अटैक हेलीकॉप्टर हो। अगर हम बात करें पाकिस्तान के एयरफोर्स में हेलीकॉप्टर्स की, तो पाकिस्तान के एयरफोर्स के पास टोटल 36 हेलीकॉप्टर्स इस समय मौजूद हैं, जिसमें अगस्टा वेस्टलैंड AW-139, एरो सेबिटियल 3, मिल MI-8, MI-70, बेल 204, बेल AH-1, कोबरा और सुपर कोबरा, बेल 412 और एरो स्पेटल SA-313 प्यूमा हेलीकॉप्टर शामिल है। वहीं भारतीय एयरफोर्स के पास टोटल 438 हेलीकॉप्टर्स हैं, जिसमें मिल MI-8 और MI-70 और HAL ध्रुव, एरोस्पेटियल LQ-3, एरोस्पेटियल SA-350B लामा, मिल MI-24 हिंद, बोइंग AH-64 अपाचे, बोइंग CH-47 चीनू और मिल MI-26 हालो हेलीकॉप्टर शामिल हैं। अगर इन आंकड़ों को देखा जाए तो भारतीय एयरफोर्स के पास पाकिस्तान के एयरफोर्स से ज्यादा हेलीकॉप्टर मौजूद हैं। इंडिया ने जो अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदा है वह काफी ताकतवर है और ये हेलीकॉप्टर जंग के मैदान में अपनी ताकत को दिखा चुका है। वहीं ट्रांसपोर्टर की बात करें तो ट्रांसपोर्टर प्लेन सेना में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं हथियारों और सेना को ले जाने के लिए। वहीं पाकिस्तान के एयरफोर्स के पास टोटल 28 ट्रांसपोर्टर विमान मौजूद हैं, जिसमें लॉकहीड मार्टिन C-130 हरकुलस, साब 2000, एयरबस CN-235, सनाक्सी Y-12 विमान शामिल हैं। वहीं भारतीय एयरफोर्स की बात करें तो भारतीय एयरफोर्स के पास टोटल 250 ट्रांसपोर्टर विमान मौजूद हैं, जिसमें एंटनो AN-32 क्लाइन, हॉकर सिडले HS-748, डोनियर डू 228, एलियूस IL-76 कैंडेट,
बोइंग C-70, ग्लोब मास्टर 3 और लॉकहीड मार्टिन C-130J सुपर हरक्यूलस विमान शामिल हैं। यानी ट्रांसपोर्टर विमान के मामले में भी भारतीय एयरफोर्स पाकिस्तान से आगे है। वहीं अगर एरियल टैंकर्स यानी रिफ्यूलर्स की बात करें, जो विमान हवा में ही फ्यूल भरते हैं, ऐसे विमान पाकिस्तान की एयरफोर्स के पास टोटल 4 हैं, जिसका नाम इल्यूशन IL-78 मीडस है। और वहीं भारतीय एयरफोर्स में टोटल 7 रिफ्यूलर्स विमान शामिल हैं, जिसका नाम इल्यूशन IL-78 है। यानी रिफ्यूलर्स विमान के मामले में भी भारतीय एयरफोर्स पाकिस्तान से आगे है। तो दोस्तों, ये थी इंडिया और पाकिस्तान की एयरफोर्स की पावर। वहीं आपके मन में इस वीडियो से जुड़ी कोई भी क्वेश्चन या क्वारी हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। वहीं अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।